दोस्तों यदि जोड़ों में दर्द होता है आपको या फिर बेवजह ही थकावट लगती है, किसी काम को करने का मन नहीं करता है, हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा जकड़न अकड़न की समस्या है या फिर ज्वाइंट पेन की समस्या है, चाहे घुटने का दर्द हो चाहे कमर का दर्द हो, आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेमेडी लेकर आई हूँ दोस्तों जो कि आपको हड्डियों के दर्द, हड्डियों की सूजन से तुरंत ही राहत दिलाएगी। नसों में यदि कमजोरी आ गई है तो वो भी दूर होगी। तो आज इस वीडियो में दोस्तों इसमें सबसे पहले मैंने लिया है भुना हुआ चना। आपको रोज एक कटोरी चना जरूर खाना चाहिए। ये जो सिका हुआ भुना हुआ चना होता ना दोस्तों, ये डायबिटीज की बीमारी को जड़ से समाप्त करता है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है भुना हुआ सिका हुआ चना। जिन्हें हाई बीपी है दोस्तों उन्हें भी भुना हुआ चना ज़रूर खाना चाहिए। जो लोग अपने बढ़ते हुए वज़न से परेशान हैं, वज़न कम नहीं हो रहा है, वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, पेट बहुत ज़्यादा बाहर निकल गया है, उन्हें भी भुना हुआ फूटा हुआ चना ज़रूर खाना चाहिए। आप लोग चाहें तो चने के साथ छोटा सा टुकड़ा गुड़ का ले लें ताकि आपसे अच्छे से ये खाते बने। रोज़ शाम के समय जब हमें भूख लगती 4-5 बजे, उस बीच हम कुछ भी खाने का मन होता है और जो दिखता है हम लोग उसे खा लेते हैं। इससे क्या होता है, हमारा वज़न भी बढ़ता है और हम हेल्दी चीज़ें नहीं खा पाते। चना खाएँ, चना खाने से लंबे समय तक पेट भरा रहता है, वज़न को घटाने में आसानी होती। जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो ज़रूर खाएं चना, चने के साथ वे गुड़ का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। चना जो होता है ब्लड शुगर लेवल को तेज़ी से कंट्रोल करता है, साथ ही साथ आप भुना हुआ चना खा लें और साथ में थोड़ा सा हल्का गुनगुना दूध पी लें। आप देखेंगे दोस्तों आपके शरीर में इतना परिवर्तन आएगा, आपके बालों का झड़ना बंद होगा, आपकी त्वचा में भी चमक आएगी, साथ ही साथ आपके शरीर में कैल्शियम की जो कमी हो गई है वह तेज़ी से पूरी होगी। दूसरी चीज़ दोस्तों जो कि आपके शरीर में कैल्शियम के स्तर को तेज़ी से बढ़ाएगी वो है तिल। तिल जिसे कि इंग्लिश में हम लोग सेसमे सीड भी कहते हैं। हमारे दिल, दिमाग, हमारी सेहत के लिए तिल का सेवन सेसमे सीड का सेवन बहुत फायदेमंद है। तो यहाँ एक चम्मच तिल आपको चबा चबा कर खाना है। एक चम्मच तिल में 100 मिलीग्राम कैल्शियम होता है दोस्तों, और जो तिल का सेवन होता है हमारी वीकनेस को दूर करता है। तिल में कुछ ऐसे एमिनो एसिड होते हैं जो कि शरीर से बैड कोलेस्ट्रॉल को भी दूर करते हैं। आपने सुना होगा तिल के तेल के बारे में, इसी तिल्ली से तेल बनाया जाता है, इस तिल के बीजों से तेल निकाला जाता है जिसे हम लोग कहते हैं सेसमे सीड ऑयल। आप अगर तिल खाएंगे ना आप देखेंगे आपके स्किन में इतना बढ़िया निखार आएगा, चेहरे पर फोड़े फुंसी का होना बंद होगा और साथ ही साथ आपका हेयर फॉल भी रुकेगा। तिल्ली का तेल हमारे बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, हेयर ग्रोथ को बढ़ाता है और साथ ही साथ दोस्तों बालों से जुड़ी हुई सारी समस्याओं को दूर करता है। यहाँ पर एक तरीका और है तिल को खाने का, क्योंकि तिल की तासीर थोड़ी सी गर्म होती है, गर्म तासीर होने के कारण इसे बहुत ज़्यादा नहीं खाया जाता है। ठंड के मौसम में तो तिल गुड़ के लड्डू बनते हैं, सभी लोग खाते हैं, पर इस मौसम में कैसे सेवन करें। तिल को रात भर पानी में भिगा दें, सुबह उठकर केवल एक चम्मच तिल को चबा चबा कर खाना है, ये इतनी फ़ायदेमंद है। पानी में भिगाने से इसकी जो गर्म तासीर है ना दोस्तों वो भी थोड़ी ठंडी हो जाएगी और आपको इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसके साथ ही साथ आप चाहें तो 2 चम्मच तिल और 2 चम्मच अलसी जिसे कि फ्लैक्सीड भी कहते हैं, ओमेगा 3 से भरपूर होते हैं ये फ्लैक्सीड, एक सुपर फूड है, एक ऐसे ताकतवर बीज है दोस्तों जो कि हमें जॉइंट पेन, हड्डियों के दर्द से तुरंत ही राहत दिलाते हैं। नसों में कमजोरी है, नसों में ब्लॉकेज की परेशानी है, 1 चम्मच अलसी फ्लैक्सीड को आप लोग जरूर खाएं, चबा चबा कर खाएं। आप चाहें तो अलसी और तिल्ली को एक साथ खा सकते हैं, अलग अलग भी खा सकते हैं, या चाहें तो दोनों को ड्राई रोस्ट कर लें, भून लें, उसके बाद आप इसका पाउडर बनाकर भी खा सकते हैं। इसके पाउडर को आप दही में खा सकते हैं, गेहूं के आटे में मिला सकते हैं, आप चाहें तो इसके पाउडर को दूध में डालकर भी ले सकते हैं। अगली चीज़ जो कि आपके शरीर से कैल्शियम के स्तर को तेज़ी से ठीक करेगी, तेज़ी से बढ़ाएगी, वो है मखाना। मखाना जिसे कि हम फॉक्स नट कहते हैं और लोटस सीड भी कहा जाता है। मखाने में भरपूर मात्रा में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस होता है, जिंक और कॉपर होता है। मखाना खाने से दोस्तों आपके चेहरे पर बहुत अच्छी चमक आएगी, एक एंटी एजिंग की तरह काम करता है मखाना। लंबे समय तक आपके चेहरे पर रिंकल्स नहीं आएंगे, झुर्रियाँ नहीं आएंगी, और जो मखाना होता है दोस्तों ये हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत फ़ायदेमंद है।
तो ये देखिए एक कटोरी मैंने जो ये मखाना लिया है, फॉक्स नट लिया है, लोटस सीड है जो दोस्तों ये जो होता है जिन्हें अनिद्रा की परेशानी है, जिन्हें ठीक से नींद नहीं आती है या जिनकी नींद बार बार खुलती है, उन्हें रात को सोते समय या सोने से एक घंटा पहले मखाने वाला दूध जरूर पीना चाहिए। मखाने वाला दूध बनाने के लिए एक बर्तन में मैंने एक गिलास दूध लिया है। जब दूध अच्छा गर्म हो जाए, उबल जाए, उसके बाद आप इसमें मखाने डालकर और पका सकते हैं। आप लोग चाहें तो दूध को मीठा करने के लिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा गुड़ भी डाल सकते हैं आप। तो मखाने का सेवन आप कई रूपों में कर सकते हैं, दूध में डालकर खा सकते हैं। बहुत से लोग तो दोस्तों मखाने को ग्राइंड करके इसका पाउडर बनाते हैं। एक चम्मच पाउडर को एक गिलास दूध में उबालकर अगर आप लेंगे ना, पुराने से पुराना आपका घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द बिल्कुल ही गायब हो जाएगा, इतना फ़ायदेमंद है। दूध को मीठा करने के लिए यहाँ पर गुड़ डालें, शक्कर बिल्कुल भी ना डालें, शक्कर से कुछ भी शरीर को नहीं मिलता है। और गुड़ जो होता है कैल्शियम, आयरन, फॉस्फोरस, कई चीज़ें होती हैं, बहुत से पोषक तत्व होते हैं गुड़ में, हमारे शरीर में खून की कमी को दूर करता है, हमारे हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाता है। मखाना खाने का एक दूसरा तरीका, यहाँ पर मैंने एक कटोरी मखाने को थोड़ा ड्राई रोस्ट कर लिया है, केवल एक चम्मच घी डाला था, मैंने बहुत ज़्यादा घी का इस्तेमाल नहीं किया है। तो आप शाम के नाश्ते में इस तरह से भी मखाने का सेवन कर सकते हैं। मखाना लिया है, जिसे भून लिया है, अच्छा नमक डाल दिया है, हल्दी डाल दिया है, चाट मसाला डाल दिया है, और इसमें मैंने आधा कटोरी फूटा हुआ चना डाल दिया है, सिका हुआ फूटा हुआ चना डाल दिया है। थोड़ी सी मैंने इसमें करी लीव्स डाल दी है, ताकि मीठे नीम की पत्तियाँ बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। करी लीव्स जो होती हैं दोस्तों ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करती हैं, हमारे बालों के झड़ने को करती हैं, ठीक करती हैं, हेयर फॉल को रोकती हैं, हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती हैं करी लीव्स। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से भून लेना है, सेक लेना है दोस्तों। कम से कम 10 मिनट लगता है मखाने को भूनने में। मैंने भी इसे गैस पर रखा था, स्लो फ्लेम पर, अच्छा भून लिया है और ये मखाना बनकर तैयार है। रोज़ आप इसे खाएँ। इन चारों चीज़ें जो मैंने बताई आपको, मखाना, भुना हुआ चना, तिल्ली बताई है जिसे सेसमे सीड कहते हैं, अलसी बताई है, ये सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से हमारे शरीर में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाएंगी, कैल्शियम के स्तर को सुधारेंगी और हमें जोड़ों के दर्द से, हड्डियों के दर्द से तुरंत ही आराम मिलेगा। तो इस तरह से आप अपने रोज के डाइट में इन्हें ज़रूर शामिल करें। बहुत पावरफुल चीज़ है दोस्तों, जो कि आपके शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। तो फूल मखाना, लोटस सीड कहते हैं, इसे बनाकर आप किसी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करें। रोज़ एक कटोरी सिका हुआ मखाना, जिसमें कि चना, तिल, सारी हेल्दी चीज़ों को मैंने डाला है, सारी चीज़ें मिली हुई हैं, इन्हें आप लोग ज़रूर खाएं और आपको कभी भी हड्डियों में दर्द नहीं होगा। साथ ही साथ ये एंटी एजिंग का काम करेगा, लंबे समय तक आप जवां बने रहेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।